हेलो स्टूडेंट्स, हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग मैथ्स का जादू में अगला जादू देखते हैं, अगला कैलकुलेशन देखते हैं कि कैसे फास्ट करेंगे। और आप सब बोलोगे अपने बारे में कि अब मैं भी मैथ्स का जादूगर। धीरे 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 वो आपके स्टॉक में बढ़ना चाहिए, ठीक है। तो आज हम लोग देखते हैं स्क्वायर का ट्रिक। स्क्वायर के ट्रिक में देखे, अभी अगर 97 का स्क्वायर है, 98 का स्क्वायर है, 94 है, 93 है, ऐसा कोई भी नंबर है, 92, 91, तो इसका स्क्वायर कैसे देखेंगे? तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट इसका देखें कि नंबर्स, कोई भी नंबर क्लोज टू, जो नजदीक है किसके, चाहे वो 100 का हो या 1000 का हो या 10,000 का हो, किसी का भी हो, तो बड़ा बड़ा स्क्वायर भी हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसमें करते क्या है, देखें, जैसे ये 97 है, मल्टीप्लाई करते तो बहुत टाइम लगता, पहला लाइन, दूसरा लाइन, फिर जोड़ते। हम लोग केवल ये देखते हैं कि ये 100 से कितना कम है, केवल इतना सोचो, 100 से कितना कम है। तो 100 से, चूंकि ये 100 के नजदीक है, 1000 के नजदीक तो नहीं है। अगर पूछा जाए कि 100 के नजदीक कि 1000 कि 10,000 के, तो आप बोलोगे सर ये 100 के नजदीक है, तो 100 से कितना कम है, 3 कम है, तो 3 का स्क्वायर 9। याद रखना 100 और 3 का स्क्वायर 9, 100 में एक के बाद दो जीरो होता है तो ये भी दो अंक का होगा। अगर दो अंक नहीं हो रहा है तो आप जीरो देख के बना दो, तो जीरो दे दिया तो 09। फिर से समझो, 100 से कितना कम है, 100 से कंपेयर करना है, तो 100 से 3 कम है और इस 100 को नहीं लिखना है, मन में सोचना है 3 का स्क्वायर 9, 97 से 3 घटा दो, 7 से 3 4 9 हो गया, कितना इजी था। फिर से देखो ये कितना लेस, दो, दो का स्क्वायर, टू का स्क्वायर 4, टू डिजिट के लिए 04, जल्दी से घटा दो, 8 से 2 6 9 हो गए। सोचो मल्टीप्लाई करते टाइम लग, ये कितना लेस, 6, 6 का स्क्वायर 36, इससे ये लेस कर लो। ये कितना लेस, 7, 7 का स्क्वायर 77 जा 49, दो डिजिट हो गया तो जीरो की आवश्यकता नहीं है। अब लेस करो, 13 में से 7 घटेगा तो 6 ये 8, ये कितना कम, 8, 8 का स्क्वायर 64, 92 से 8 घटाइए, ये कितना कम, 9, 9 का स्क्वायर 81, अब इससे ये लेस करो, है ना बहुत इजी। तो अगर 95 का स्क्वायर है, जल्दी सोचो कितना कम, 5, 5 का स्क्वायर 25, 95 से 5 लेस करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये तो था दो अंक का, देख रहा है कि अगर 91 से लेकर आगे का पूछ रहा है। हम लोग और बड़े क्वेश्चंस भी अगर है तो वो भी कर सकते हैं। मान लो कि अगर 3 बार 9 का स्क्वायर कोई पूछे, आपको देखना है 1000 से कितना कम है, एक कम है, 1000, क्योंकि 1000 के नजदीक है 999, तो 1 का स्क्वायर 1, लेकिन एक के बाद कितना जीरो होता है, 3 जीरो, तो इसके बाद 3 जीरो के लिए 1, 2, 3 स्पेस होना चाहिए, 3 डिजिट नहीं पूरा हो जीरो देके बना दो, अब घटा दो, 9 से 1, 8, 9, 9, तो देखे अगर 998 का स्क्वायर है कितना लेस, 2, 2 का स्क्वायर 4, 2 जीरो लगा दो, अब घटाओ 8 से 2 6, 9, 9 और बड़ा रहता 995 का स्क्वायर, बताओ कितना लेस, 5, 5 का स्क्वायर 25, 1 जीरो, ये 3 डिजिट वाला जीरो है, अब घटाइए इससे ये 0,
नाइन नाइन। तो कैलकुलेशंस के लिए आप मल्टीप्लाई करके आप देखो, चेक करो, कैलकुलेटर बगल में है, चेक कीजिए, ठीक है। जैसे नाइन नाइन सिक्स का स्क्वायर है, अब बताओ क्या होगा, कितना कम, चार, चार का स्क्वायर सोलह। अब देखो ये तीन डिजिट हुआ क्या, नहीं दो ही डिजिट हुआ, एक जीरो लगाओ, घटाओ छह से चार दो, नौ नौ, और भी बड़ा रहता हम लोग देखें, और भी बड़ा रहता जैसे नाइन 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 सेवन। अब बताइए, ये तो एक दो तीन चार, एक के बाद एक दो तीन चार, दस हजार के नजदीक है, तो चार डिजिट ये होना चाहिए, कितना कम है, तीन, तीन का स्क्वायर नौ, चार डिजिट बनाओ, एक दो तीन चार, घटा के लिखे सात से तीन चार, नौ नौ नौ। तो कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो सकता है कैलकुलेटर न ले, तो नहीं भी लेगा तो भी आप बना सकते हो, कितना ले, फोर, चार का स्क्वायर सोलह, कितना अंक था, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ, छ में से चार घटा के लिख दो, अब जितना बार नौ है तो तीन चार सात, एक दो तीन चार पांच छ सात, कैलकुलेटर हो सकता है नहीं लेगा लेकिन ये सही है। तो आज हम लोग ने ये सीखा मैथ्स के जादू में कि किसी भी नंबर का स्क्वायर, ऐसा नंबर जो सौ, एक हजार, दस हजार, एक लाख, दस लाख से कम है, निकट वाला है, तो उसका स्क्वायर फिर हम लोग इससे रिलेटेड अगले क्लास में देखेंगे। थैंक यू, गुड नाइट। जिन लोगों ने लाइक नहीं किया है लाइक कर लेना, शेयर कर लेना, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।